तो दांत निकाले। इस अजीबोगरीब क्रिएचर ने तो पूरे सोशल मीडिया पर खूब धूम मचाई हुई है। तस्वीर देखने से तो कोई इसे डायनासोर समझता है तो कोई कुछ और, लेकिन ये नन्ही कार्टून जैसी दिखाई देने वाली मखलूक दरअसल एक कैटरपिलर है जो बड़े होने पर एक अनोखी तितली बन जाती है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे क्रिएचर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में शायद आपको पहले ना पता हो। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। दोस्तों, इसकी नस्ल खतरे से दो चार है। ये तितलियों की नायाब और तेजी से खत्म होने वाली किस्म है जो ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में पाई जाती है। इस तितली का नाम पिंक अंडरविंग मॉथ इसकी खत्म होती नस्ल के मुनासबत से रखा गया है। दोस्तों, ये जो आप इसके दांत देख रहे हैं ये हकीकत में दांत नहीं, बाहर देखने में ये दांत ही लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सफेद रंग के निशानात हैं जिन्हें खतरनाक शिकारी परिंदे और दूसरे कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कैटरपिलर्स बड़े होने के बाद सूखे हुए यूकलिप्टस के पत्तों की शक्ल वाली तितली बन जाते हैं। दोस्तों, खौफनाक ख्वाबों का नया चेहरा, ये तितली जब तक कैटरपिलर रहती है तब तक उतनी ही ये अजीबोगरीब भी रहती है कि लोग इंटरनेट पर इसकी तस्वीर देखकर इसको हकीकी कीड़ा मानने से ही इनकार कर रहे हैं। एक खतून अपने फेसबुक अकाउंट पर इस कैटरपिलर को खौफनाक ख्वाबों का नया चेहरा करार दे रही है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपकी इस वीडियो के बारे में या इस कैटरपिलर के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।